फ्यू वीक्स बैक मैं ये वीडियो देख रहा था राज शमानी का, जहाँ पे उन्होंने जाकिर खान को बुलाया था एंड ही टॉक्ड अबाउट की हाउ टू बिकम अ स्टोरी टेलर, वाई स्टोरी टेलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। सो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ जो मैं बहुत रेयरली करता हूँ, विच इज़ टू मेक अ रिएक्शन वीडियो। तो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज प्ले जस्ट दैट सेगमेंट ऑफ द वीडियो जहाँ पे राज शमानी जाकिर खान के साथ बात कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है एंड स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, एंड इन बिटवीन आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई ओन व्यूज ऑफ दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, सो आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो राइट फ्रॉम द पॉइंट दे टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग, एंड बीच बीच में मैं रोक के अपने अपने पर्सपेक्टिव भी रखूँगा। बट टू बी ऑनेस्ट, आई लव दिस कॉन्वर्जेशन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वॉन्ट टू बी अ स्टोरी टेलर, दैट्स ऑल आई हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ। ऑल आई वॉन्ट डू इज दैट, मेरे को ना टीचर बनना है एक टाइम पे, एंड आई थिंक स्टोरीज बहुत सही तरीका होता है तुम किसी को कुछ भी पढ़ाने के लिए। और वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सब्जेक्ट मैटर, इट कैन बी एडवाइस, इट कैन बी रिलेशनशिप किसी को। तो आप भी, मुझे लगता है आप स्टोरी टेलर हो बहुत स्ट्रॉन्ग, मोर देन अ कमेडियन। तो स्टोरी टेलर, और आपने कल एक बात बोली कि दुनिया को स्टोरी टेलिंग की वैल्यू नहीं पता। हाँ, नहीं पता उनको, राइट? उनको लगता नहीं है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो अगर सीख ली तो उसके कितने फायदे होंगे। Something on those ground you said, maybe I'm reframing it now. नहीं, बिल्कुल कहा तो इसी, यही बात कही थी, ऐसे नहीं कही थी, पर कही थी यही बात। तो क्यों ऐसा बोला आपने, क्यों? मुझे लगता है लोगों को पता है स्टोरी टेलिंग जरूरी है। नहीं पता है लोगों को स्टोरी टेलिंग में, लोगों को लगता है कि कहानी सुनाना स्टोरी टेलिंग होता है। ओके, स्टोरी टेलिंग इज आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। क्या होता है स्टोरी टेलिंग, डीप में बताओ। लव इट, आई मीन I have watched it few times and the way Raj Shamani said ki I want to be a storyteller, I am very sure ki agar aap ye channel dekh rahe hain, video dekh rahe hain, I am very sure that you are also curious to be a storyteller, because at the end of the day we all are storyteller. Now some of us are better storyteller, great storytellers like Raj, like Zakir, but most of us are average or below average storytellers, or as I call it, nervous forgetting storyteller. And I love this conversation because now he's going to tell you why storytelling is so, so important. So please pay close attention to it. Elaborate. Storytelling दो हिस्से होते हैं। मैं कॉमिक स्थान में मैंने ये बात कही थी कि कहानी और किस्सा अलग अलग होता है ना। कहानी होती है साहब कि मैंने ज़िंदगी कैसी जी, राज निकले इंदौर से और उन्होंने बम्बई में कैसे चीज़ें अचीव करी और पॉडकास्ट शुरू किया, और ये है कहानी है। किस्सा है कल जब हम मिले क्रिकेट पे, है ना। ये दो हिस्से हैं स्टोरी टेलिंग के, ठीक है, कहानी एंड किस्सा। कहानी और किस्सा, जब बात स्टोरी टेलिंग की आती है, स्टोरी टेलिंग का जो यूटिलिटी है उसकी, वो हर 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 कदम पर पड़ेगी तुमको। वो अगर आप सेल्स में हैं तो वहाँ भी काम आएगी, वो अगर आप टीचर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, अगर आप बस में कंडक्टर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, आप अगर मतलब आप टेबल बेचते हैं तो भी काम आएगी, और आप लोहा बेचते हैं तो भी काम आएगी, और अगर आप हमारी तुम्हारी तरह अगर हवा बेचते हैं तो बहुत काम आएगी, ठीक है। पीपल रिमेंबर पीपल बाय द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन दे हैड, कि फलाने से मिलके बहुत अच्छा लगा था। कैसे लगता है अच्छा, क्या है अच्छा लगना, अच्छा कैसे और क्यों लगता है, उसने क्या कहा, तुमको क्या महसूस कराया। आप किसी पे खर्च करो उसको याद नहीं रहेगा, आप किसी को जो महसूस कराते हैं, अपनापन, वार्मथ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको आपको किसी इंसान को याद रखने में हेल्प करती हैं। जो इंसान आपको याद रहा जाएगा उसको ऑटोमेटिकली आप काम देने लगोगे। तो आपका जो वर्क एरिया वो ऑटोमेटिकली बहुत, उसका डायमीटर बहुत बढ़ जाता है अगर आप सिर्फ अच्छे बात करने वाले इंसान हैं। और अच्छी बात करने का एक बहुत बड़ा पहलू है कहानी किससे सुना पाना, कि अरे एक बार हमारे साथ भी दरअसल में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। जब आप इस अंदाज में किसी को एक बात कहते हो और वो जब कहानी सुनता है आपकी और वो बड़ा मुतासिर होता है और वो कुछ लेके जाता है अपने साथ, हम लोग सबकी ना। सो बिफोर वी प्रोसीड, एंड बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है इसके बाद, सो आई वॉन्टेड टू गिव a little bit of reaction before he talks about that, and when I was listening to this, main sun raha tha, it reminded me jo ki ek famous quote bhi hai, I think it is Maya Angelou who said that ki
people will not remember what you said, people will not remember what you do for them, but they will always remember how you made them feel. आपने उनसे क्या बोला एग्जैक्टली वो नहीं याद रखेंगे, आपने उनके लिए क्या किया वो भी याद नहीं रखेंगे, बट आपका उनके साथ एक्सपीरियंस क्या था, आपने उनको कैसा महसूस कराया वो जरूर याद रखेंगे. सो आई लव दिस वर्ड जाकिर सेड दैट ना, कि थिंक अबाउट इट कि आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप लोगों को क्या दे के जा रहे हो. एंड द नेक्स्ट 30 सेकेंड इज ऑल्सो अ मास्टर क्लास. दिस 30 सेकेंड इटसेल्फ I would say is a master class when it comes to interpersonal communication. So just listen to it carefully. ना यहाँ पे एक खाली जगह है, एक लेके जाता है अपने साथ. हम लोग सबकी ना यहाँ पे एक खाली जगह है एक. हर इंसान जो हमसे मिलता है वो या तो कुछ भरता है या कुछ लेके जाता है. वो सब लोग जो आपके मन की ये जो खाली बाल्टी है इसको भरते हैं वो आपको बहुत पसंद आते हैं, जो खाली करते हैं वो आपको नहीं पसंद आते, आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो. देयर आर पीपल हु विल फिल यू, देयर आर पीपल हु विल एम्प्टी यू. यू डोंट वांट टू मीट पीपल हु एम्प्टी. ट्रू. ठीक. व्हाट एन एनालॉजी. डिड यू सी दैट? इट्स लाइक अ बाल्टी एंड खाली कर रहे हैं, बाल्टी भर रहे हैं, बट दैट्स अ मास्टर कम्युनिकेशन, राइट? दैट्स अ कम्युनिकेशन मास्टर क्लास. एज ही सेड कि when he says that you we all can feel that yeah it is like a balti. we all feel ki hum jab kuch logon se milte hain bahut acha lagta hai, bahut elevated lagta hai, and kuch logon se milke hamari energy drain ho jati hai. beautiful. so if you want to learn communication, one thing that you must learn is to speak in terms of analogy. jaise ki abhi balti aur dil ki baat kar rahe hain zakir, let's move on. कहानी सुनाने वाले लोग कहानियों में, क्योंकि बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, एक याददाश्त होती है कहानी की अपनी, कि यार फलाने ने मुझे बताया था और उसने ऐसे से कहा था, तो वो आप उस आदमी को हमेशा याद रखोगे ना, उसमें एक सीख होती है. ठीक है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? स्टोरी टेलर. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहानी का हिस्सा जो है वो आपकी नजरिए से ड्राइव हो रहा है. तो जब इंसान जब वो कहानी लेके जा रहा है तो सिर्फ कहानी लेके नहीं जा रहा, वो आपका नजरिया भी लेके जा रहा है, तो आप उसके साथ हो हमेशा. इस वजह से स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर फील्ड ऑफ एरिया के लिए. इट इज मोर अबाउट अ कॉन्वर्सेशन स्किल देन जस्ट बीइंग अ स्टोरी टेलर एज अ स्टोरी टेलर. तो अगर लव दैट बिफोर आई प्रोसीड, राइट? एंड जब ये बात कर रहे थे, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द माय फेवरेट कोट बाय स्टीव जॉब्स, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर. बिकॉज स्टोरी टेलर ही है जो कि पूरे जनरेशन का एजेंडा सेट कर सकता है, पूरे जनरेशन का विजन सेट करता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट ही सेड कि स्टोरी टेलर्स, वेन यू लर्न, वेन यू हियर फ्रॉम ग्रेट स्टोरीज फ्रॉम ग्रेट स्टोरी टेलर्स, यू आर नॉट ओनली हियरिंग द स्टोरीज, यू आर हियरिंग देयर पर्सपेक्टिव, एंड वो आप अपने साथ लेके जाते हो. ब्यूटिफुल. क्विक एक दो आपको टिप बतानी हो कि कैसे एक बेहतर बात करने वाला इंसान बन सकता है, बेहतर स्टोरी टेलर बन सकता है, क्या याद रखें? बहुत सारा पढ़ें और सुनें, अपने से बेहतर लोगों में उठे बैठें, उनकी बात सुनें और उनको सुनाने की कोशिश करें, अपने से कमतर और जो कम समझदार और जो उस सर्कल में नहीं है उन लोगों को. चीटिंग है ये, पर करिए, उससे बोलने की आदत डेवलप होगी. ठीक है. सो ट्रू. है ना? और एक बार जब बोलने की आदत डेवलप होगी तब आपको समझ में आए कि अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए था. लोग बोरिंग कहेंगे, कहने दीजिए. लोग कहेंगे ज़्यादा बात करता है, बोलने दीजिए. मेरा ऐसा मानना है कि इज्जत और जल्लत का एक कोटा ऊपर वाला आपको उसके साथ भेजता है. जितनी जल्दी आप उस जल्लत के कोटे को ख़त्म कर देंगे उसके बाद तो साहब मौज ही मौज है. लव दैट. सी द थ्री थिंग्स ही सेड टू बिकम अ बेटर स्टोरी टेलर. नंबर वन, गेट इनपुट्स. बुक्स पढ़ो, आप पॉडकास्ट पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, या फिर ई बुक पढ़ो, वॉट एवर, मीट पीपल. सो फर्स्ट थिंग इज गेट इनपुट्स. बहुत सारा इनपुट कलेक्ट करो ताकि आपके ब्रेन में रहे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली. नंबर टू, मीट पीपल हु आर अ लेवल अबव देन यू. जब आप उन लोगों से मिलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज बढ़ेगा. इनफैक्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग आई वॉज पार्ट ऑफ अ मास्टर माइंड मीटिंग एंड इट वॉज fabulous to meet people from different parts of the world, and I am sure I learned something from them, and I am sure they learned something from me. So that is the concept of mastermind. There were two speakers from Napoleon Hill Institute as well.
And the third thing he said is teach. My coach, he says that there is a triangle of learning, which is learn, do and teach. This is the golden triangle. Agar aapko kisi cheez ko master karna hai, you have to do the three things. And this is exactly what he is talking about. So I'm gonna stop sharing. But this was very, very inspirational few minutes of learning about storytelling from two of the amazing storytellers right now in India. So comment karke batayega ki aapko kaisa laga ye reaction video. And do you want me to do more of this reaction video? I would love to do that. And let's be in touch. Let's get connected. I'll see you in the next video. And as I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'll see you in the next one.